दोस्तों, आप सभी ने पॉलिटेक्निक के बारे में कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसे आप 10th या 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। वे सभी स्टूडेंट्स जिनको फ्यूचर को लेकर चिंता होती है, वो 10th के बाद ही सोचने लगते हैं कि उनको अब आगे क्या करना है। तब उनके बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार या दोस्त तरह तरह के कोर्स बताते हैं, जिनमें कोई कहता है ITI कर लो तो कोई कहता है पॉलिटेक्निक कर लो। और जब हम लोग पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह के सवाल आता है, जैसे कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कोर्स करने में कितना टाइम लगता है, इसमें किस चीज की पढ़ाई होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, 10th या 12th के बाद पॉलिटेक्निक कैसे किया जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको पॉलिटेक्निक कोर्स से जुड़ी किसी भी तरह के डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है जो पॉली और टेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली यानी कि बहुत और टेक्निक यानी कि तकनीक। पॉलिटेक्निक एक ऐसी संस्था है जहां पर आपको आपके इंटरेस्टेड फील्ड के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि योग्य बनाया जाता है, ताकि आप उस फील्ड में अपना कैरियर बना सके और एक अच्छा जॉब हासिल कर सके। पॉलिटेक्निक कोर्स के मदद से आप लोग किसी भी फील्ड में, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या कोई भी दूसरा फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक कोर्स की मदद से आप कर सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप डायरेक्ट BTech के सेकेंड ईयर में एडमिशन भी ले सकते हैं। मान लो कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है और अब डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आपका एडमिशन ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो जाएगा। पॉलिटेक्निक एक प्रकार का पॉपुलर कोर्स है जिसमें आप अपने पसंदीदा कोर्स से डिप्लोमा कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आपने पॉलिटेक्निक क्या है ये तो जान लिया, अब इसकी योग्यता भी जान लेते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक कैसे करें जानेंगे। सो पॉलिटेक्निक करने के लिए आपका 10th या 12th क्लास पास होना चाहिए। पॉलिटेक्निक कोर्स में डिप्लोमा करने के लिए कम से कम आपके 35% मार्क्स इंग्लिश, मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट में होने चाहिए। यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के लिए आप कम से कम 10वीं या 12वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास होने चाहिए। 10वीं में तो नहीं, लेकिन 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो अब बात आती है पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें। पॉलिटेक्निक में जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसे CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है। अगर आप किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना होगा, वरना किसी प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा फीस देकर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज में पॉलिटेक्निक कोर्स की फीस 10,000 से 20,000 के आसपास होती है और वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग 30,000 से 60,000 पर सेमेस्टर होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके अच्छे मार्क्स आए एंट्रेंस एग्जाम में, ताकि आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। एंड पॉलिटेक्निक कोर्स करने के 2 रास्ते होते हैं, पहला 10वीं कक्षा पास करने के बाद और दूसरा 12वीं कक्षा पास करने के बाद। अगर आपका 10वीं कक्षा में अच्छा नंबर है तो आप सरकारी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कर सकते हैं, और अगर कम नंबर है तो आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। अगर आपका मन है तो आप ITI करने के बाद भी पॉलिटेक्निक कोर्स को कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो आप 10th के बाद करो, सबसे अच्छा रहेगा। तो आइए अब जानते हैं 10th क्लास के बाद पॉलिटेक्निक कैसे करें। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको DET डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और इसमें आपको अच्छे मार्क्स से पास होना होगा, जिससे कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा रैंक आने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए किसी भी अच्छे सरकारी संस्था में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स 3 साल में पूरा होता है। तो चलिए अब जानते हैं 12th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें। अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स को करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला, आपने इंटर पास कर लिया है, अब आप अपनी योग्यता अनुसार कोई भी जॉब वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा, 12th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स मात्र 2 साल में ही कम्प्लीट हो जाता है।
इसको करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से 12th क्लास पास करना होगा, यानी कि साइंस सब्जेक्ट आपके इंटर में होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट 12th के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना चाहता है तो उसके लिए उसे CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अच्छे रैंक से पास करना होगा, तभी आप किसी प्रोफाइल कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स कर पाओगे। अगर अच्छा रैंक नहीं आया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगी, किसी प्राइवेट कॉलेज से आपको पॉलिटेक्निक कोर्स को करना पड़ेगा। दोस्तों, पॉलिटेक्निक क्या है और पॉलिटेक्निक कैसे करें ये जानने के बाद चलिए अब जानते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि पॉलिटेक्निक करने से क्या होता है, और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको दो रास्ते बताऊंगा। सो पहला रास्ता, जब आप कोर्स अच्छे नंबर के साथ पूरा कर लेते हो तो आपके कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब लेकर आती है, जिनको हम कॉलेज प्लेसमेंट भी बोलते हैं। कंपनी में जॉब करने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप आसानी से इंटरव्यू में पास हो जाओगे और फिर आपकी जॉब लग जाएगी। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, यानी कि इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं और आगे के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सीधे बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं, और इसके बाद जॉब करोगे तो अच्छी सैलरी के साथ साथ अच्छी पोस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों फील्ड में जॉब कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में ऐसे कई विभाग हैं जिसमें पॉलिटेक्निक वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि रेलवे में टेक्निकल पोस्ट, और भी बहुत सारे वैकेंसियां खाली हैं जिसमें सिर्फ पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग वाले ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।